नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूँ। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आज हम इस पे चर्चा करते हैं। चलिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अधिकांश आर्थिक क्रियाकलापों के निम्नलिखित लक्षणों, नंबर 1 ए उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व हो, ब बाजार में निर्गत को बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है, स श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर होता है जिसे मजदूरी की दर कहते हैं। श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे ही श्रम की मजदूरी कहते हैं। इससे अभिप्राय यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें संसाधनों पर प्राइवेट सेक्टर का नियंत्रण होता है। प्राइवेट सेक्टर ही प्रोडक्शन का कार्य करते हैं और उत्पादन का कार्य, बेचने का कार्य सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही किया जाता है मजदूरों की सहायता से। इसलिए इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। धन्यवाद।